What's up guys, Trenzy here. Okay guys, so 2021 का guys ये पहला वीडियो है, so happy new year to all of you guys. Thanks for subscribing, liking, sharing my videos and I hope कि आपका ये साल जो है वो काफी अच्छा जाए, मेरा भी. So keep watching So Trenzy to make your style more trendy. Alright, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पतले लड़कों के लिए विंटर फैशन टिप्स. लेकिन उससे पहले guys, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल पे बात होती है मेल लाइफस्टाइल, फैशन और फिटनेस के बारे में, तो सब्सक्राइब, बेल आइकन चक दो फटे. ऑलराइट, तो विंटर्स आते ही जो मेरे पतले भाई हैं, थोड़े से स्किनी भाई हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि जो पतलापन होता है बॉडी में उसे ज्यादा कपड़े डालकर हाइड किया जा सकता है और आप जो है वो ज्यादा कपड़े डालकर स्टाइलिश भी लगते हो. रियली काफी हद तक यस, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है. तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा पांच ऐसी फैशन टिप्स, अगर आप जो है वो पतले हो तो आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फुटवेयर. और अगर विंटर्स की बात हो रही है तो हर लड़के को शौक होता है कि बूट्स वेयर करें. ऑब्वियसली वेयर करना भी चाहिए, स्टाइलिश भी बहुत लगता है, बट अगर आप थोड़े से पतले हैं तो आप जो है वो थोड़े से हैवी बूट्स लाइक वर्क बूट्स, हाइकिंग बूट्स, इन हैवी बूट्स से जो है वो थोड़ा सा दूर रहें. इस तरीके के बूट जो होते हैं वो थोड़े से बिग गाइज लाइक जिनकी बॉडी वगैरह थोड़ी अच्छी होती है या फिर जो थोड़े से लंबे होते हैं या फिर थोड़े से हैवी होते हैं उनके ऊपर गाइज इस तरीके के बूट्स अच्छे लगते हैं. मेरे पतले भाई अगर यहाँ पे जो है वो बूट्स वेयर करना चाहते हैं, बूट्स को स्टाइल करना चाहते हैं विंटर्स में, तो आप यहाँ पे चका बूट्स ले सकते हैं. उसके अलावा चेल्सी बूट्स, मैंने बहुत ज्यादा बात की अपने चैनल पे इनके बारे में, बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है, स्टाइलिश भी है और ये आपके ऊपर अच्छे भी लगेंगे. इसके अलावा गाइज जो हमारे लो टॉप लेदर स्नीकर्स होते हैं लाइक ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, ये भी आपके लिए जो है वो बेस्ट चॉइस रहेंगे. सेकंड टिप इज वेयर मफलर और टर्टलनेक. ऑलराइट, जो मेरे पतले भाई हैं वो विंटर्स में जैकेट, स्वेटशर्ट्स ये सब तो डाल लेते हैं जिनसे उनका जो मिड सेक्शन वाला एरिया है वो तो थोड़ा सा ठीक लगने लग जाता है. बट गाइस एट द सेम टाइम आपके जो ये गर्दन वाला एरिया है, नेक वाला एरिया, ये और ज्यादा पतला दिखना शुरू हो जाता है आपकी हैवी आउटफिट की वजह से. इसके सोल्यूशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप टर्टलनेक स्वेटर डाल सकते हैं. ये क्या करेगा, आपके जो है वो गर्दन वाले एरिया को जो है वो नेक वाले एरिया को थोड़ा सा थिक दिखाएगा और साथ ही साथ ही आपके शोल्डर्स को भी जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड दिखाने में हेल्प करता है. मैंने गाइस अपने चैनल के ऊपर जो है वो अभी रिसेंटली एक टर्टलनेक के ऊपर फुल्ली डिटेल वीडियो बनाई है, पूरी कुंडली निकाली है उसमें अपने टर्टलनेक की, इसका कार्ड लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा. तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार जरूर उस वीडियो को देख लें. और अगर आप जो है वो कोई जैकेट वगैरह वेयर कर रहे हैं तो ऐड करें एक मफलर, सेम थिंग, ये जो है वो आपकी नेक में थोड़ा सा डेफिनेशन ऐड करेगा, थोड़ा सा थिक दिखाने में हेल्प करेगा उसको और स्टाइलिश तो लगता ही है. थर्ड टिप इज वेयर हॉरिजॉन्टल पैटर्न. तो गाइस मेरे यहाँ पे जो स्लिम ट्रिम भाई हैं उनको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो है वो प्लेन कपड़ों से ज्यादा जो है वो पैटर्न वाले कपड़ों को प्रेफर करें और पैटर्न जो होना चाहिए वो होना चाहिए हॉरिजॉन्टल. गाइस वर्टिकल पैटर्न जो होता है, एक तो ऑलरेडी आपकी बॉडी और आपकी जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी स्ट्रेट और लीन टाइप है, यानी कि सीधी प्रोफाइल है. और जो वर्टिकल स्ट्राइप वाले अगर आप जो है वो कपड़े डालते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फोटोज आपको दिखा दूंगा, अगर आप जो है वो इस तरीके के आप कपड़े डालते हो ये और ज्यादा इल्यूजन क्रिएट करता है, आपको और ज्यादा स्लिम दिखाता है. दूसरी साइड अगर आप जो है वो हॉरिजॉन्टल पैटर्न वाले यानी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप वाले कपड़े डालते हो तो ये आपके जो है वो चेस्ट वाले एरिया को थोड़ा सा ब्रॉड दिखाता है और शोल्डर्स को थोड़ा सा ब्रॉड दिखाता है. अब ऐसा भी नहीं है कि आप जो है वो सब कुछ हॉरिजॉन्टल लेके उसको डाल लो. जो चीज गाइस आपने सबसे ऊपर डालनी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई जैकेट डालनी है वो सबसे ऊपर आपने डालनी है, तो उसके अंदर आप जो है वो हॉरिजॉन्टल पैटर्न ले सकते हो. अंदर जो है वो आप कोई भी प्लेन टी शर्ट या फिर जो भी आपने वार्मर वगैरह डालना है वो अंदर आप प्लेन डाल सकते हो. बस यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप कुछ पैटर्न ले रहे हो तो वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल ना हो. तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप जो देख रहे हो आपको पसंद आ रहा है तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाकर वीडियो को लाइक जरूर कर देना. गाइस वीडियो पे कमेंट्स आते हैं, व्यूज भी अच्छे आते हैं, लेकिन गाइस लाइक करना भूल जाते हो आप इसी चक्कर में. तो गाइस अभी के अभी जाओ और वीडियो को लाइक जरूर कर दो. एंड गाइज मैं इसी तरीके का शॉर्ट वीडियो कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करता हूं, तो अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको उसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर से एक बार मेरी प्रोफाइल चेक करें. अगर आपको पसंद आता है तो जरूर से फॉलो करें. ऑलराइट, तो नेक्स्ट टिप इज चेक योर प्रॉपर फिट. अब यहाँ पे मेरे जो है वो कुछ पतले भाई ये गलती करते हैं कि थोड़े से ओवर साइज कपड़े ले लेते हैं या फिर जो वो थोड़ी फ्लफी फ्लफी सी जैकेट्स आती हैं वो ले लेते हैं ताकि वो थोड़े से पतले ना दिखें. बिग नो. हमारा यहाँ पे गोल क्या है, सबसे पहले हम वो समझते हैं. यस, हमारी प्रोफाइल जो है वो थोड़ी सी स्लिम है, हम जो है वो थोड़े से पतले हैं, तो हमने जो है अपनी आउटफिट को इस तरीके से डिजाइन करना है कि हम जो है वो थोड़े से स्किनी ना दिखें एंड एट द सेम टाइम हम स्टाइलिश भी दिखें. हमने जो है वो यहाँ पे जबरदस्ती मोटे या फिर जबरदस्ती हैवी नहीं दिखना है. इस फिटिंग के ऊपर मैं जो है अपने चैनल के ऊपर डेडिकेटेड कुछ वीडियोस लेके आने वाला हूँ, अपर ड्रेसिंग के लिए अलग, लोअर ड्रेसिंग के लिए अलग, सूट्स ब्लेजर्स के लिए अलग. तो गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके. ये जो फिटिंग वाली वीडियोस हैं इनको तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए. लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको दो थंब रूल बता देता हूँ, अगर आप जो है वो कुछ नया लेने जा रहे हो तो आप अपनी फिटिंग इजिली चेक कर सकते हो. सबसे पहली चीज, अगर शोल्डर, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि अगर आपके जो है वो शोल्डर प्रॉपरली अलाइन है, यानी कि आपके शोल्डर जो है वो कोई भी चीज आप ले रहे हो, जैकेट ले रहे हो, हुडी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, आपके शोल्डर जो है वो प्रॉपरली अलाइन होने चाहिए आपके शोल्डर कट के साथ, छोटे नहीं
नहीं होने चाहिए और बड़े और बैगी से जो यहाँ पे लटकते हैं ना वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज योर स्लीव्स। अगर आप जो है वो कुछ वेयर करके चेक कर रहे हो तो आप अपने दोनों हाथों को जो है वो इस तरीके से जो है वो ऊपर उठाएं। अगर आपका स्लीव जो है वो खिंचकर थोड़ा सा पीछे आता है यानी कि जहां पे आप घड़ी डालते हो उस वहां तक ही खिंचकर आता है तो गाइज वो आपकी फिट है, आप उसको ले सकते हो इजिली। लेकिन गाइज अगर वो खिंचकर जो है वो आपके फोरआर्म एरिया तक आ रहा है तो गाइज वो आपकी फिट नहीं है, उसको आप जो है वो बिल्कुल ना लें। और गाइज बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपके फिंगर्स तक लटकने वाली स्लीव्स तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ टिप इज डोंट वेयर स्किनी जीन्स। ओके, एवरीवन लव स्किनी जीन्स, ट्रेंड में भी हैं, अच्छी भी लगती हैं डाले हुए, बट अगर गाइज आप जो है वो थोड़े से पतले हैं और आपके लेग्स जो है वो चिकन लेग्स हैं यानी कि थोड़ी पतली पतली आपके लेग्स हैं तो गाइज आप स्किनी जीन्स ना डालें, ये आपकी टांगों को जो है वो और भी ज्यादा पतला दिखाएगा और थोड़ा वियर्ड दिखाएगा। सो गाइज नो स्किनी, नो रेगुलर, नो बैगी जीन्स, आपको जो है वो स्लिम फिट जीन्स के साथ जाना है। गाइज स्लिम फिट जीन्स जो होती है वो पतले लोगों के लिए सबसे परफेक्ट चॉइस होती है। ऑलमोस्ट हर ब्रांड जो है वो आज की डेट में स्लिम फिट जीन्स बनाता है। इवन मैंने भी यहाँ पे जो है अपने पतले भाइयों के लिए कुछ ब्रांड्स यहाँ पे खोज के निकाले हैं ऑनलाइन जो आप इन विंटर्स में ले सकते हैं। उन सबका लिंक गाइज मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्रांड और प्राइस रेंज के हिसाब से दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से जाके ले सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये थी मेरे पतले भाइयों के लिए 5 विंटर फैशन टिप्स। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताना। और गाइस अगर आपने कुछ पूछना है, बताना है या फिर किसी तरीके की क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे भी मुझे आके डीएम कर सकते हो। और गाइस अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले जाके यार वीडियो को लाइक करो, जरूर से लाइक कर देना। एंड गाइस मेरी तरफ से आप सब लोगों को फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर, होपफुली आपका इस साल जो है वो जरूर से अच्छा जाए। और अगर आपने अभी तक सो ट्रेंडजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड पीस, यू कैन डू एनीथिंग।